वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल पेरेंट्स. मेरा नाम दिशा है और टी ट्रूम हैंड्स की तरफ से और मैं आपको वार्मली वेलकम करती हूँ. आप इस टाइम पे टाइम निकाल के हमारे पास आए हैं एंड फॉर आर किड्स. सो बेसिकली दिस इज़ द सेकेंड सीरीज हमारे इस ट्रूम हैंड्स के पेरेंट्स के लिए, हमारी फैमिली के लिए. आज का टॉपिक है रोल ऑफ डाइट इन अर्ली चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. अब इसमें हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, बट क्रूशियली कैसे डाइट हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट, फिजिकल, मेंटल, बिहेवियर, उन सब चीज़ों में कैसे हेल्प करती है. तो आज उनके लिए हमारे पास टू एक्सपर्ट्स प्रेजेंट हैं. डॉक्टर आशुतोष उपाध्याय हु इज़ द ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट एंड मिसेज रश्मि भाटिया हु इज़ अ न्यूट्रिशनल साइकोलॉजिस्ट. सो आज दोनों एक्सपर्ट अपने ओपिनियंस एंड अपने एक्सपीरियंस एंड कुछ ऐसे टिप्स एंड सजेशन शेयर करेंगे आप लोगों के साथ. एंड आफ्टर दे हैव स्पोकन हमारे पास होगा क्वेश्चन आंसर राउंड, जिसमें आप पेरेंट्स अपने क्वेश्चंस, अपनी क्वेरीज ला सकते हैं. एंड एट द एंड हम आपको एक फीडबैक फॉर्म देंगे. आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हम ये सीरीज आपके लिए रख रहे हैं. तो आपको कैसे लगा सेशन और क्या क्या आप और टॉपिक्स पे बात करना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं. सो आई एम राइट नाउ वेलकमिंग आवर फर्स्ट एक्सपर्ट प्रोफेशनल मिसेज रश्मि भाटिया. सो प्लीज़ वेलकम. पेरेंट्स, क्योंकि जैसे दिशा ने बताया कि आज का टॉपिक है रोल ऑफ डाइट इन अर्ली एज इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ईयर्स. हम ये बोलते हैं कि जो ये अर्ली एज ग्रुप है वो हमारे फाउंडेशन ईयर्स है, यानी हमारी ये जड़ें हैं, रूट्स हैं. कि जैसे हम खाएंगे, हम कहते हैं 0 to 6 ईयर्स हमारे फाउंडेशन ईयर है. जब हम जो भी खाते हैं उसके बाद हमारी ग्रोथ जो होगी, चाहे फिजिकल ग्रोथ है, चाहे मेंटल ग्रोथ है, इमोशनल ग्रोथ है, उस पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है. क्योंकि जितनी जड़ें मजबूत होंगी उतना हमारे आगे की ज़िंदगी खूबसूरत होगी. सो हम स्टार्ट करते हैं रोल ऑफ न्यूट्रिशन इन चाइल्ड्स अर्ली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. जो हम आज टॉपिक डिस्कस करेंगे, सिंपल टॉपिक है कि व्हाई हेल्दी ईटिंग इज इम्पॉर्टेंट. ऑल दो सबको पता है कि व्हाई हेल्दी ईटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, बट हम कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर जाते हैं. हमें लगता है कि हम हेल्दी खा तो रहे हैं, यही तो खा रहे हैं, बट हमें ये नहीं पता हर बच्चे की रिक्वायरमेंट अलग है, हर किसी का टेस्ट अलग है, हर किसी की हंगर एपेटाइट अलग है, हर किसी का ब्लड ग्रुप अलग है, हर किसी की एक्टिविटी लेवल अलग है. तो ज़रूरी नहीं है कि अगर एक बच्चा 2 रोटी खाता है तो मेरा बच्चा भी 2 रोटी खाए, नहीं. तो व्हाई हेल्दी ईटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हम नज़रअंदाज करते हैं. देन रोल ऑफ डाइट इन अर्ली ग्रोथ इन डेवलपमेंट, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. इंडिकेटर्स ऑफ पुअर एंड गुड न्यूट्रिशन, बहुत लोगों को यही नहीं पता कि जो हमारे इंडिकेटर्स हैं न्यूट्रिशन के, कौन से अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं. हमें लगता है कि नहीं बच्चा ठीक है, ये हमारा ठीक ही खा रहे हैं, पर हमारे इंडिकेटर्स हमें बॉडी, बच्चे की लैंग्वेज, बच्चे की फिजिकल एक्टिविटी, बच्चों का बिहेवियर ही हमें इंडिकेट करता है कि हमारे बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा. इम्यूनिटी इन्फेंट्स, बच्चों की कैसी इम्यूनिटी है. एंड ब्रेस्ट फीडिंग, ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है बच्चे की लाइफ के लिए. तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो मदर्स की डाइट है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो सबसे बेसलाइन होनी चाहिए बच्चे की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए. देन एडिशनल डाइटरी रिक्वायरमेंट्स, हर बच्चे के अगेन मैंने डाइटरी रिक्वायरमेंट्स अलग होती है. किसी को कैल्शियम की ज़्यादा ज़रूरत होती है, किसी को आयरन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, किसी को विटामिन B12 की, किसी को विटामिन सी की. डिपेंड्स अगेन बच्चों का बिहेवियर, एक्टिविटी, इमोशनल वेलनेस, मेंटल हेल्थ. देन पैक्ड एंड प्रोसेस्ड फूड्स, हाउ इम्पॉर्टेंट, हाउ गुड आर पैक्ड एंड प्रोसेस्ड फूड्स. बहुत लोगों को लगता है पैक्ड एंड प्रोसेस्ड फूड्स आर बहुत हेल्दी हैं और बच्चों को ईजिली दे सकते हैं, बट अगेन इट डिपेंड्स हम कितनी मात्रा में दे रहे हैं और कितनी फ्रिक्वेंटली दे रहे हैं. पिकी ईटर्स हैं आजकल बच्चे हमारे, बहुत पिकी ईटर हैं, बेसिकली बहुत नखरे करते हैं खाने के लिए. तो उनको कैसे हमें टैकल करना चाहिए वो भी हम आपको बताएंगे. देन रोल ऑफ न्यूट्रिशन कॉग्निटिव एंड बिहेवियर डेवलपमेंट.
क्योंकि न्यूट्रिशन का रोल हर चीज में है. सबको लगता है कि रोल ऑफ न्यूट्रिशन का बेसिकली सिर्फ फिजिकल हेल्थ पे इम्पैक्ट है. नहीं, न्यूट्रिशन का इम्पैक्ट मेंटल में, कॉग्निटिव में, बिहेवियर में, सब पे इम्पैक्ट पड़ता है कि हम क्या खाते हैं. जैसे ये कहावत है, जैसा खाए अन्न वैसा हो मन. मन हमारे पूरे फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, कॉग्निटिव हेल्थ से रिलेटेड है. देन मेजर डेवलपमेंट माइलस्टोन, बच्चों की जो माइलस्टोन है, जब कैसे डेवलप होती है और खाने के इम्पैक्ट से क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है माइलस्टोन में. कॉग्निटिव डेवलपमेंट बता दिया मैंने, इफेक्ट्स ऑफ पुअर न्यूट्रिशन एंड रिलेशनशिप बिटवीन न्यूट्रिशन कॉग्निटिव बिहेवियर. ये सब चीज़ें डॉक्टर आशुतोष बेसिकली कवर करेंगे. तो जो मुझे कवर करना है वो मैं आपको अब ले चलती हूँ जर्नी में. हेल्दी ईटिंग क्यों इम्पोर्टेंट है? सबको पता है कि हाँ, हम हेल्दी खाना खाते हैं तो हमें सुंदर दिखना है, खुश रहना है. बट इसके साथ साथ हमारा इंटरनल सिस्टम है कि हमारे चाइल्ड की इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, बच्चों की बोन हेल्थ को, जॉइंट्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है अगर हम हेल्दी ईटिंग खाएंगे. हेल्दी में ईटिंग में हमारा कैल्शियम है, विटामिन B12 है, विटामिन डी है, विटामिन ऑल मल्टी माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें ठीक अमाउंट पे लेने हैं. कई बार हमने देखा है कि बच्चा 2 साल तक सिर्फ दूध ही पी रहा है क्योंकि मदर्स को लगता है कि 2 साल तक दूध बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके साथ वो बच्चे को ना सीजनल फ्रूट्स दे रहे हैं, ना सीजनल वेजिटेबल्स दे रही हैं. सो सिर्फ प्रोटीन पे ही उनका इम्पैक्ट है. फाइबर और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिसिंग है जिसकी वजह से भी बच्चे को हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं. एक अगर बच्चा हेल्दी खाएगा तो उनका जो वेट है वो प्रॉपरली मेंटेन होगा ना. आइडियल बॉडी वेट रहेगा बच्चे का, माइलस्टोन एज के हिसाब से बच्चे बेसिकली एज के हिसाब से उनका वेट और हाइट ठीक रहेगा. इट डिक्रीज द रिस्क ऑफ कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम एंड इन्फेक्शन. अगर बच्चा हेल्दी खा रहा है तो बॉडी में इन्फेक्शन और इम्यूनिटी जो इन्फेक्शन के कम चांसेस हैं. जो नॉर्मल डिजीजेज हैं जो आए दिन बच्चों को फीवर, फ्लू, स्टमक इन्फेक्शन होता है, उससे बच्चे बच सकते हैं अगर हेल्दी डाइट ले रहे हैं. एंड अगेन इट इम्प्रूव द ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अगर हम हेल्दी खाना खा रहे हैं. रोल ऑफ डाइट इन अर्ली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो मैं आपको बता ही चुकी हूँ. दे नीड द राइट फूड एट द राइट टाइम टू ग्रो एंड डेवलप टू देयर फुल पोटेंशियल. अगर हम ठीक मात्रा में खाएंगे, राइट टाइम पे खाएंगे तो उनका जो माइलस्टोन है फिजिकल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ, कॉग्निटिव ग्रोथ, बिहेवियर ग्रोथ एकदम ठीक टाइम पर ही डेवलप होंगे. क्योंकि द मोस्ट क्रिटिकल टाइम फॉर गुड न्यूट्रिशन इज ड्यूरिंग द 1000 डे. जो हम अगेन वही बोल रहे हैं 0 to 3 years, दे आर द क्रिटिकल टाइम जो हमारे पूरे बॉडी के एंजाइम डेवलप होते हैं, हमारा बोन हेल्थ डेवलप होता है, हमारा एक स्केलेटल सिस्टम बनता है. इट्स अ सेम कि हम 6 साल तक अगर बच्चे को दूध नहीं देते हैं उसके बाद हम कितना भी दूध दें बच्चे की हड्डियाँ कमजोर ही रहेंगी. जैसे आप देखते हैं कि हम घर बनाते हैं जो फाउंडेशन है उसकी नींव अगर स्ट्रांग हो उसके बाद हम कितना भी अच्छा पेंट वगैरह करें तो अच्छा रहेगा. बट अगर हमारी नींव ही स्ट्रांग नहीं है, उसको हमने सीमेंट ठीक नहीं डाला है और जो ससरिया है वो ठीक यूज़ नहीं किया, मिक्सचर प्रॉपर नहीं किया है, नीचे हमने गड्ढा ठीक से नहीं किया है घर बनाने में, तो बाद में कितना भी हम उसको अच्छा पेंट या वो इंटीरियर कर ले, अगर नींव स्ट्रांग नहीं हो घर खराब हो गई होगा. ऐसे ही 6 साल तक हम सब का एक स्केलेटन सिस्टम बनता है, प्रॉपर शेप में बनता है, प्रॉपर साइज में बनता है. अंदर जितना भी उनका बोन हेल्थ में बोन मैरो होनी चाहिए, कैल्शियम होना चाहिए, पूरा डिपॉजिट होता है. इसलिए 0 to 6 years का इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट आपका है. कैल्शियम तो है, विटामिन डी, विटामिन B12 और मैग्नीशियम भी है. प्रोटीन तो हम बच्चों को देते हैं बट साथ में विटामिन डी, विटामिन B12 और मैग्नीशियम पे भी हमें ध्यान देना चाहिए प्रॉपर स्केलेटन सिस्टम को डेवलप करने के लिए. इंडिकेटर्स ऑफ पुअर न्यूट्रिशन, ये 4 चीजें हैं जो हमें ये बताती हैं कि बच्चे का न्यूट्रिशन पुअर है. एक तो स्टंटिंग है. बेसिकली स्टंटिंग क्या है कि बच्चे को प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा है या हम प्रॉपर दे रहे हैं, प्रॉपर बच्चे को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही है, जिससे उनकी ग्रोथ रुक गई है. तो उस केस में बच्चा माल न्यूट्रिशन है, उस केस में हमें डॉक्टर पीडियाट्रिशियन को रेफर करना ज़रूरी है कि हमें लग रहा है कि बच्चा को प्रॉपर ग्रोथ है नहीं, वो स्टंटिंग है. वेस्टिंग का ये मतलब है कि हाइट के हिसाब से या वेट के हिसाब से दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है.
बच्चे की हाइट के हिसाब से वेट नहीं बढ़ रहा और वेट के हिसाब से बच्चे की हाइट नहीं है। अगेन इसमें भी हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं वेस्ट होते हैं। कई बार बच्चों के स्टमक इन्फेक्शन है, पेट में बच्चों की बहुत जल्दी कीड़े हो जाते हैं, तो बच्चे का तब भी आपका जो माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट है प्रॉपरली डाइजेस्ट एंड अब्सॉर्ब नहीं होता, कि बच्चे के एपेटाइट का भी है। कई बार मदर को लगता है कि चलो कुछ नहीं खा रहा, रूह अफ़ज़ा वाला दूध ही पिला दे, चलो चॉकलेट ही खिला दे, मीठा तो जा रहा है। बट मीठे खाने से क्या है, जो प्रॉपर और अदर इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं वो बच्चा वो नहीं ले रहा है। कोई बात नहीं, कोल्ड ड्रिंक पी लिए तो क्या हो गया, फ्रेंच फ्राइज खा लिए तो क्या हो गया, बच्चे का पेट तो भर गया है। पेट भरना एक अलग बात है, बट प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स जाना एक अलग बात है। ओवरवेट, कई बार मदर्स बच्चे को इतना ओवरफीड कर देती है, घी भी बहुत खिला देगी, मीठा भी बहुत खिला देगी, फ्रूट्स भी खिला देंगे कि हाय हम भी तो इतना खाते थे, हमारे दादियाँ भी तो इतना खिलाती थी। तो ओवर न्यूट्रिशन से भी क्या है, बच्चे का चलने में प्रॉब्लम आ जाएगी, फिजिकल एक्टिविटी में प्रॉब्लम आती है, बच्चे को बिहेवियर में प्रॉब्लम आ जाएगी, बच्चा थोड़ा रेस्टलेस रहेगा, एग्रेसिव रहेगा, स्लीप डिसऑर्डर हो सकते हैं। तो ओवर न्यूट्रिशन भी होना ये पुअर इंडिकेटर है आपके बच्चे के लिए। एक है अंडरवेट, अंडरवेट अगेन वेट के हिसाब से बच्चे का वेट नहीं है, वेट बढ़ नहीं रहा है, क्या पता कि कोई इन्फेक्शन हो, ब्लड इन्फेक्शन हो सकता है, स्टमक इन्फेक्शन हो सकता है, या कई बार बच्चों के स्टमक में एंजाइम्स ही बिल्ड नहीं हो रहे जिससे कि बच्चे का न्यूट्रिशन प्रॉपरली डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब हो। क्योंकि जो हम कहते हैं हर इंसान के स्टमक में एंजाइम जिस हिसाब से प्रोड्यूस होते हैं, जैसे उनकी फिजिकल एक्टिविटी होती है, इमोशनल वेलबींग होता है, कॉग्निटिव होता है, और जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है। जो इंडिकेटर्स ऑफ गुड न्यूट्रिशन है वो ये सारे हैं, जैसे बॉडी कॉम्पोजिशन है, हेल्दी स्किन एंड हेयर है, मेंटल अलर्टनेस है, स्लीप एंड एनर्जी लेवल्स हैं, हेल्दी बोन्स हैं, रेगुलर बाउल मूवमेंट्स हैं। ये इनफैक्ट इंडिकेटर्स ऑफ गुड न्यूट्रिशन बच्चों के लिए नहीं, हम सबके लिए भी बहुत ज़रूरत है कि हमारा बॉडी कॉम्पोजिशन ठीक है, हमारा स्किन एंड हेयर हेल्दी है। तो इसका मतलब जो भी न्यूट्रिशन खा रहे हैं, जो भी हम खाना खा रहे हैं वो एकदम ठीक खा रहे हैं। अगर हमें मेंटल अलर्टनेस है, प्रेजेंस ऑफ माइंड है, हम ठीक टाइम पे डिसीजन ले पा रहे हैं, ठीक टाइम पे आंसर दे सकते हैं, एनर्जी और स्लीप हमारे लेवल्स एकदम ठीक है, हम टाइम पे सो रहे हैं, 7 से 8 घंटे सो रहे हैं, एनर्जी लेवल हमारे मॉर्निंग में हाई है, मॉर्निंग में हम अपने आप को वीक या लेथार्जिक फील नहीं कर रहे हैं, और हमारे जो जॉइंट्स हैं, बोन्स हैं वो हेल्दी है, हमें घुटनों में या हड्डियों में पेन नहीं है, चलते वक्त भागते वक्त हमें कोई दर्द नहीं हो रहा है, और हम कभी ये शिकायत नहीं कर रहे कि हम इतना चलने के बाद थक गए हैं। तो इसका मतलब हमारी बोन्स हेल्दी हैं, और रेगुलर बाउल मूवमेंट है, अगर हम टाइमली अपना स्टमक एम्प्टी कर पा रहे हैं, इसका मतलब हमारा जो न्यूट्रिशन है, हम जो भी खा रहे हैं दैट इज गुड। जैसे मैंने बताया कि इम्यूनिटी इन इन्फेंट्स जो है, जो छोटे बच्चों की इम्यूनिटी है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही डेवलप होती है, क्योंकि जो मदर के एंटीबॉडीज होते हैं जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डेवलप होते हैं वो फीटस में ट्रांसफर होते हैं। अगर प्रेगनेंसी में मदर प्रॉपर डाइट नहीं खाएंगी, मोर जंक फूड खाएंगी और अनहेल्दी खाएंगी, प्रॉपर अमाउंट ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट नहीं लेगी, गुड क्वालिटी ऑफ फैट, प्रॉपर क्वान्टिटी में विटामिन मिनरल्स नहीं लेंगी, तो जो बच्चों की इम्यूनिटी है वो वीक होगी, क्योंकि मदर की वो प्रॉपर एंटीबॉडीज बन ही नहीं पाएंगी जो बच्चे में ट्रांसफ़र हो। इसीलिए आजकल जब पेरेंट्स कंसीव करते करना चाहते हैं, इफ दे वांट टू हैव अ प्लान प्रेगनेंसी, वो एक बार जाके अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलते हैं, अपने सारे ब्लड टेस्ट कराते हैं टू सी कि उनके अंदर वीकनेस तो नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि मदर को खुद ही नहीं पता होता उनके अंदर आयरन या विटामिन डी या कैल्शियम की डेफिशिएंसी है। तो आजकल गायनेकोलॉजिस्ट भी प्रॉपरली गाइड करती है कि अगर इफ यू वांट टू हैव अ हेल्दी बेबी, यू शुड बी हेल्दी बिफोर कंसीविंग, अदरवाइज बच्चे को इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। तो इम्यूनिटी बच्चे की मदर से ही शुरू होती है, इन वोम में शुरू होती है। सो इसलिए मदर का न्यूट्रिशन भी बहुत हेल्दी होना ज़रूरी है। उसके बाद बच्चे की जो इम्यूनिटी होती है आफ्टर डिलीवरी के बाद, जब बच्चा मदर फीड पे रहता है और मदर तब भी हेल्दी डाइट लेती है तो भी न्यूट्रिशन उस बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ती है। अगर किसी कारण मदर अपने आप बच्चे को फीड नहीं कर पा रही है,
तो शी शुड हैव अ वेरी यू नो गुड आई विल से गुड क्वालिटी ऑफ मिल्क. कई बार आजकल हमने देखा है कि मदर का मिल्क सीक्रेट ही नहीं हो पाता है, प्रोड्यूस ही नहीं हो पाता है, शायद वो मेंटली प्रिपेयर नहीं होती है या पोस्टमार्टम डिप्रेशन में चली जाती है या उनको अपनी इंटरनल वीकनेस होती है, कुछ मेंटल एग्री होती है या कई चीज़ों में मैं बोलूँगी उनको अपना फिगर हेल्थ या फिगर कॉन्शियस होते हैं दे, क्योंकि ड्यूरिंग फीडिंग ऑल्सो मदर शुड हैव अ हेल्दी डाइट. इसमें हम कहते हैं अच्छा घी होना चाहिए, अच्छे ड्राई फ्रूट्स होने चाहिए, हाई क्वालिटी ऑफ प्रोटीन होना चाहिए, जो मदर्स आजकल मोस्टली अवॉइड करती है क्योंकि उनको डर लगता है कि हमारा वेट ना बढ़ जाए. बट ये टोटली मिथ है. जितना हम बेबी को फीड करेंगे उतना ही मदर का वेट कम होता है. बट मदर फीड कराती नहीं जिसकी वजह से बेबी को भी प्रॉब्लम आती है और मदर को भी प्रॉब्लम आ सकती है. अगेन बर्थ में बेबी की इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है. थैंक्स इट्स ड्यू टू द एंटीबॉडीज रिसीव ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड थ्रू ब्रेस्ट मिल्क. जो मैं बारी बारी बोल रही हूँ एंटीबॉडीज मदर की, इसलिए मदर को अपनी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ को बहुत स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए अपनी बेबी की वेलबींग के लिए, इम्यूनिटी के लिए, उनकी अच्छी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए, कॉग्निटिव एंड बिहेवियर डेवलपमेंट के लिए भी. क्योंकि पैसिव इम्यूनिटी जो मदर है पैसिव इम्यूनिटी ट्रांसफर करती है अपनी बेबी को. तो इसीलिए इम्यूनिटी अगेन मैं बारी बारी ये वर्ड यूज़ कर रही हूँ कि जो एनीवेज आप लोग तो बेबीज हो चुके हैं बट आपके आसपास अगर कोई आपके फैमिली है, नेबर्स हैं या कजन्स हैं, दे वांट टू प्लान, तो उनको आप गाइड कर सकते हैं कि बिफोर कंसीविंग प्लीज गो फॉर अ हेल्थ चेकअप एंड सी कि आपकी बॉडी, आपका हेल्थ कैसा है. ब्रेस्ट फीडिंग इज अ नेचर्स गिफ्ट. Everyone knows कि ये नेचर गिफ्ट है जो भगवान ने दिया है बच्चे के लिए. और ये सबसे बड़ी बात है ईजीली अवेलेबल है, टोटली हाइजेनिक है, इसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन है एंड कॉस्ट इफेक्टिव है, फ्री में मिलता है और इससे बच्चे के और मदर के इमोशनल बॉन्ड भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है. बच्चे को सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है, सेफ्टी होती है, जो इमोशनल फिजिकल बॉन्ड बनता है बच्चे और मदर के बीच में वो आगे जा तक, जैसे हम कहते हैं कि 0 to 6 months आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट माइल स्टोन जब बच्चे की हम सेफ्टी और सिक्योरिटी का ध्यान रखते हैं. क्योंकि मोस्टली अगर बच्चे को हम मेड्स के हाथ दे रहे हैं या बॉटल फीड करा रहे हैं तो बच्चा इनसिक्योर आगे हो सकता है और बेसिकली इंट्रोवर्ट हो सकता है, एग्रेसिव हो सकता है, रेस्टलेस हो सकता है, क्योंकि जो बॉन्ड बनने का टाइम है वो बना नहीं है. तभी पहले जॉइंट फैमिली में बच्चा मदर के पास, दादी के पास चला जाता था, बुआ के पास चला जाता, नानी के पास चला जाता, बच्चे पे बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस लेवल भी होता था, सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती थी, सेफ्टी होती थी एंड विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होती थी. क्योंकि ड्यूरिंग फाउंडेशन ईयर ही बच्चे में एक पॉजिटिविटी थी रिगार्डिंग कॉग्निटिव बिहेवियर, रिगार्डिंग इमोशनल मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, बिहेवियर हेल्थ ऑल्सो. इम्पॉर्टेंस ऑफ मदर साइड को मैं आपको एक्सप्लेन कर ही चुकी हूँ कि क्यों ज़रूरी है कि हम जो खाते हैं वो इनडायरेक्टली मदर बच्चे को पास ऑन करती है, चाहे वो प्रेगनेंसी है चाहे वो लैक्टेशन है, वो तभी वो करती है. ये इम्पॉर्टेंट स्टेजेस आफ्टर ब्रेस्ट फीडिंग है, वीनिंग है, टीलिंग है, च्यूइंग है. इसको मैं ज़्यादा नहीं लूँगी कि आपके बच्चे बड़े हैं, क्योंकि वीनिंग है इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट जब बच्चे को हम दूध से सॉलिड फूड की तरफ ट्रांसफर करते हैं. चूइंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्योंकि चूइंग करने से बच्चे की स्पीच डेवलप होती है. अगर बच्चा च्यू नहीं करता है तो स्पीच डिले होने के चांसेस होते हैं. इसको हम कहते हैं सेंसरी मोटर्स, आपके जो सेंसरी मोटर स्किल्स डेवलप होते हैं वो च्यूइंग और टीथिंग से ही होते हैं. इसीलिए जैसे ही 6 months होते हैं बच्चे को वीन ऑफ करते हैं, जूसेस से करते हैं, फ्रेश फूड से करते हैं, लिक्विड डाइट से करते हैं, थिन कस्टर्ड से करते हैं, पतला दाल का पानी है, कस्टर्ड है, घर का बना दही है, एप्पल जूस है, स्ट्यू फ्रूट्स हैं, पतला करके देते हैं ताकि बच्चे को इजीली डाइजेस्ट हो जाए. एंड उसका भी हमारा बेसिकली आई विल से प्रोटोकॉल है कि हम ये नहीं एप्पल जूस दे रहे हैं फिर 2 घंटे बाद हमने प्यूरी दे दी है, 2 घंटे बाद हमने दाल का पानी दे दिया. नहीं, अगर हम एप्पल जूस दे रहे हैं तो हमें हफ्ते तक उस टाइम पे एप्पल जूस ही देना है ताकि बच्चे को टेस्ट डेवलप हो जाए. बच्चे के मुंह में टोटली एंजाइम आने में 2 साल लगते हैं और 1 साल तक बच्चे को कभी गेहूं की कोई चीज़ नहीं देनी चाहिए क्योंकि बच्चे के
पेट में जो गेहूं को डाइजेस्ट करने का एंजाइम है एक साल के बाद डेवलप होता है, उससे पहले नहीं होता है। इसीलिए पतला खिचड़ी हो गया, दाल का पानी है, पनीर है, पपाया है मैश किया हुआ, बनाना है मैश किया हुआ, आलू है मैश किया हुआ, खिचड़ी है, कस्टर्ड है, ये सब देना चाहिए, रोटी है, दलिया है, सूजी की खीर एक साल के बाद देनी चाहिए। और चूइंग जैसे मैंने बोला है, मोस्टली मदर्स क्या करती है, हर चीज मिक्सी करके बॉटल में डाल के दे देती है, तो बच्चे को चूइंग की आदत रहती नहीं है, बच्चा सीखना भी नहीं चाहता, क्योंकि हर किसी को कंफर्ट जोन चाहिए। चाहे आज की डेट में हमें भी अपना कंफर्ट जोन चाहिए होता है, तो बच्चे को शुरू से ही हमें कंफर्ट, मदर्स कंफर्ट बना देती है कि चलो जी बॉटल में देती है, क्योंकि इट टेक्स बेसिकली एफर्ट एंड पेन टू फीड द बेबी। बेबी शायद मोस्टली पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, क्योंकि एक एक चम्मच खिलाना बच्चे को कभी आधा घंटा लगता है, कभी एक घंटा लगता है, बॉटल में तो हर चीज़ मिक्सी करके दे दो तो बच्चा पी लेगा, नहीं, ये बहुत रॉन्ग चीज़ है। बच्चे को कभी भी प्यूरी चीज़ या कोई भी खिचड़ी है, ओट्स है, सूजी की खीर है, दलिया है, कभी भी मिक्सी करके बॉटल में नहीं देना है। आप थिक प्यूरी बना के बच्चे को चम्मच से खिलाएं और बच्चे को बोले च्यू कीजिए, और उसका सही एग्जाम्पल है कि अगर आप बच्चे के साथ खाएं और आप भी खुद बच्चे के साथ च्यू करें, ये एक्सरसाइज भी होती है। च्यू करने से बच्चों के गम्स भी बहुत स्ट्रांग होते हैं, और जब बच्चों के दांत आते हैं तो उनको कोई मुश्किल नहीं होती है, ये तो बच्चा बड़ा पेन में रहता है क्योंकि उनको प्रैक्टिस ही नहीं है च्यूइंग की, उनकी गम की एक्सरसाइज हो ही नहीं रही है। गम की एक्सरसाइज के लिए च्यूइंग इज द बेस्ट थिंग। पहले जमाने में भी लोग क्या करते थे, धागे में छुहारा डाल के रख देते थे, तो छुहारा को बच्चा च्यू करता रहता था, या गाजर की स्टिक दे देते थे, खीरे की स्टिक दे देते थे, फ्रेंच फ्राइज है वो बना के दे देते थे ताकि बच्चा च्यू करे। और बच्चे को साथ में आपको एक रोल मॉडल सेट करना है और बच्चे के साथ ही खाना है। एसेंशियल डाइटरी रिक्वायरमेंट फॉर इन्फेंट्स, अगेन बेसिकली शुगर सॉल्ट के लिए मना करते हैं, हनी के लिए भी मना करते हैं, हम कहते हैं 0 to 18 months तक आप बच्चे को नेचुरल फॉर्म ऑफ शुगर दो, जैसे खजूर हो गया है आपका, एप्पल मीठा होता है, गाजर मीठी होती है, उसका खीर और प्यूरी वूरी बना के दें, एंड गुड़ की शक्कर दे सकते हैं, किशमिश दे सकते हैं उसको प्यूरी बेसिकली ग्राइंड करके। असेंशियल इंडिकेटर्स ड्यूरिंग स्टेजेस में ये अगेन बोन हेल्थ है, फूड एलर्जीज है, एंड इफेक्ट्स ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ पैकेज फूड्स है। ये सेशन हम प्रॉपर एक नॉर्मल ले रहे हैं, रोल ऑफ डाइट इन अर्ली ग्रोथ। किसी को अगर पर्सनल क्वेरीज है दे कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट विमेंस एंड अपॉइंटमेंट लेके आ सकते हैं। जो नेक्स्ट सेशन है वो हमारा डिसऑर्डर स्पेसिफिक होगा, जिसमें आप पर्सनल अपने जो चाइल्ड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो पूछ सकते हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि नेक्स्ट सेशन में अगर आप आना चाहें तो दिस इज अ बेसिकली अ अगेन बेस है कि रोल ऑफ न्यूट्रिशन क्यों इम्पॉर्टेंट है, और जो डिसऑर्डर स्पेसिफिक न्यूट्रिशन होगा वो हम आपको अगले टॉक में बताएंगे। बोन हेल्थ अगेन जैसे मैंने बताया, वी से कि किड्स विद स्ट्रॉन्ग बोन्स है दे विल हैव अ बेटर चांस ऑफ अवॉइडिंग बोन वीकनेस इन लेटर लाइफ। जैसे मैंने आपको बताया 0 to 6 years इंपॉर्टेंट है एक स्केलेटल सिस्टम को, बोन हेल्थ को डेवलप करने के लिए। और अगर क्योंकि और इसमें बच्चे के लिए फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते सिर्फ न्यूट्रिशन दे देते हैं तो क्या है कि बच्चे की जो बोन एक्सपैंड नहीं होगी। तो फिजिकल एक्टिविटी भी सिर्फ देयर थ्री की इंग्रेडिएंट्स फॉर हेल्दी बोन्स, कैल्शियम, विटामिन डी एंड एक्सरसाइज, लाइक वॉकिंग है, क्लाइंबिंग है, रनिंग है, जंपिंग आर वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड अ गुड हेल्थ। और किस किस ने बेबी को फीड फर्स्ट मिल्क फीड कराया है, सभी ने, दैट्स नाइस। एंड हाउ लॉन्ग डिड यू फीड योर बेबी, 4 months, 6 months, 9 months? ओह दैट्स बोथ द बेबीज, वेरी नाइस। आपने? ओह वेरी गुड। सो व्हाट अबाउट योर न्यूट्रिशन, वर यू टेकिंग केयर ऑफ योर डाइट ऑल्सो? यस, okay, then you have to leave the, yes, on 5th month of the of my conceiving, my gynecologist told me not to go to the obviously
किसके लिए डिफिकल्ट था बेबी को फीड करना इनिशियल डेज में? कितना टाइम लगा आपको बेबी को एक प्रॉपर रूटीन सेट करने में? आज 5-6 डेज आपको, 1 month. तो बीच में आपने फिर बेसिकली बॉटल फीड देनी शुरू की? एंड व्हेन वाज वीनिंग स्टार्टेड? आप लोगों ने कहा बच्चे को बेसिकली दूध के अलावा कोई चीजें लिक्विड्स या सॉलिड देना शुरू किया? 6 months एज पर योर पीडियाट्रिशियन. एग्जैक्टली, आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू दैट, क्योंकि हमारे टाइम पे हमें तो 4 महीने बाद हमें बोल दिया जाता था, बट अगेन माय यंगर वन को हमें 6 महीने के बाद ही देना पड़ा क्योंकि डिफरेंस हो गया. इनफैक्ट हमारे तो पेरेंट्स बोलते हैं हमें 3 महीने बाद ही आपको दाल का पानी ये सब देना शुरू कर दिया था. Was introducing new food was difficult for you? Weaning karana kisi ke liye difficult hua hai? Difficult tha. Meri mera beta aaj jo hai feed my younger one. So wo unko dekhta hai aur teras feel karta hai yaar mujhe bhi. You are. Do you think aapke child ke jitne bhi milestone hai proper age pe the? Physical, emotional and बिहेवियर एंड कॉग्निटिव, स्पीच को छोड़ के बाकी सब कुछ नॉर्मल था? कोविड में भी था, कोविड में भी के साथ ये प्रॉब्लम आई है स्पीच डिले, बहुत लोगों के साथ आई है. सो इट्स नथिंग, मतलब नॉट टू वरी अबाउट, क्योंकि लॉट्स ऑफ पीपल नॉट ओनली इन इंडिया, ओवरऑल वर्ल्ड स्पीच डिले मोस्टली लोगों की, बच्चों की यही है. तो एक वो फेज आते ना किसी के बेसिकली ओवरऑल वर्ल्ड, जैसे पैंडमिक आया था तो उस टाइम काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हुई, ऐसे इन बच्चों के भी बहुत सारी चीज़ें एक जैसी ही हैं. मे बी उसका इम्यून सिस्टम वीक होगा, कोविड के वायरस ने उसको ऐसे इम्पैक्ट दिया होगा. देखिए मैम, हम हर किसी को कोविड के टाइम पे एक एंगजाइटी लेवल सबका बढ़ा हुआ था एंड वो हमने कहीं ना कहीं अपने बच्चों पे ट्रांसफ़र किया है एंड बच्चे वॉज नॉट एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्फ. एंड बच्चों का सिक्स सेंस बहुत जल्दी काम करता है. घर में कोई भी खुशी या गम हो बच्चों को सबसे पहले पता चलेगा क्योंकि सिक्स सेंस बहुत स्ट्रांग होती है. तो उस टाइम भी बहुत सारे बच्चों ने क्या फील किया क्योंकि वो एक्सप्रेस नहीं कर पाए, क्या पता मतलब उनको वो इम्पैक्ट पड़ा हुआ. इट्स नॉट, वी आर नॉट श्योर, बट वी हैव सीन कि जो कोविड बेबीज हैं या जिन्होंने स्पेशली एडोलेसेंट चिल्ड्रन भी जिन्होंने उस टाइम सप्रेस किया है, दे वर नॉट एबल टू कम्युनिकेट देयर एंग्जाइटी लेवल या जो वो फील कर रहे थे ड्यूरिंग कोविड, तो उनका अब इम्पैक्ट आया है. एडोलेसेंट बच्चों में भी बहुत इम्पैक्ट आया है. इट्स नॉट ओनली दिस 0 to 6 ईयर्स, बट एडोलेसेंट बच्चों को भी बहुत आगे एंग्जाइटी लेवल, डिप्रेशन, बायपोलर ये सब आया है क्योंकि जो ऑनलाइन क्लासेस थी, जो बच्चे 2 साल फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते रहे, सारा टाइम स्क्रीन में रहे, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बच्चों के एडोलेसेंट के वीक हो गए हैं, सोशल स्किल्स वीक हो गए हैं, दे डोंट वांट टू मीट पीपल क्योंकि 2 साल तक वो किसी को नहीं मिले, घर में 3-4 लोगों को मिले हैं. तो एडोलेसेंट बच्चों पर भी इम्पैक्ट आया है. इट्स नॉट दैट जो एकदम नहीं निकले लोग उन सब पे इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आया है. सोशल, फिजिकल, इमोशनल, कम्युनिकेशन स्किल, इम्यूनिटी, फिजिकल हेल्थ में बहुत आया है, बोन हेल्थ में बहुत आया क्योंकि एक्टिविटी जीरो थी ड्यूरिंग कोविड मोस्टली बच्चों की. एनीवेज वी मूव ऑन. एज आई से बोन हेल्थ, 3 की इंग्रेडिएंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, कैल्शियम, विटामिन डी एंड एक्सरसाइज. क्योंकि हम कहते हैं कि एक्सरसाइज हम करते हैं, क्लाइंब करते हैं, रनिंग करते हैं, जंपिंग करते हैं, तो ये एक्टिविटीज पुट प्रेशर ऑन द बोन्स विच मेक्स द बॉडी बिल्ड स्ट्रॉन्गर बोन्स. जैसे हम कहते हैं ना कि सोने को हम जितना रगड़ते हैं उतना चमकता है, ऐसे हड्डियों से हम जितनी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं उसमें उतना ही वो स्ट्रेंथ बनती है. आप देखें उस टाइम आपको थकावट होगी पर उतनी वो स्ट्रांग रहेगी. तो इसीलिए फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है. जो अगेन जो हमने ये डिस्कस किया कि एडोलेसेंट और ये बच्चों को कोविड के टाइम में फिजिकल एक्टिविटी टोटली ज़ीरो हो गई.
घर पर ही होते हैं, तो उससे बहुत इम्पैक्ट पड़ा है। देन फूड एलर्जीज, आजकल बच्चों को फूड एलर्जीज बहुत है क्योंकि बच्चों का गट सिस्टम अगेन वीक है एंड अनफॉर्चुनेटली कई चीज़ों में डिहाइड्रेशन है जो हमें भी नहीं पता चलता। हम भी एडल्ट्रेटेड खाना खा रहे हैं, हवा ले रहे हैं, पानी पी रहे हैं, बच्चे को भी वो ले रहे हैं, उससे बच्चे को कुछ भी फूड एलर्जी हो सकती है। जो जो बेसिकली मोस्टली सिम्टम्स हैं फूड एलर्जी के, स्नीजिंग है, रनी और ब्लॉक नोज है, रेड एंड इची वॉटरी आइज है, वीजिंग है, कॉफ है, वर्सिंग और एस्थमा है या रैश हो सकता है। ये सारे बेसिकली साइंस ऑफ फूड एलर्जी हो सकते हैं अगर आपके बच्चों में आ रही है। एंड देन कॉमन फूड एलर्जीज आर काउस मिल्क है, एग से, जैसे हम कहते हैं 1 ईयर तक एग नहीं देना चाहिए क्योंकि जो एग योक है उससे भी बच्चे को फूड एलर्जी हो सकती है। ग्लूटेन नहीं देना चाहिए, नट्स हैं, पीनट्स नहीं देने चाहिए। अगर आपने देने भीगे हुए बादाम और किशमिश दे सकते हो, इसके अलावा पीनट नहीं देने, बच्चे को बहुत जल्दी पीनट एलर्जी हो जाती है। हम कई बार बच्चे के लिए खाना पीनट ऑयल में बना लेते हैं, वो भी एलर्जी कर जाता है। नहीं, सोया से हो जाती है, जैसे कई बार मदर को लगता है बच्चे को दूध नहीं सूट कर रहा, सोया मिल्क या टोफू देना शुरू कर देते हैं। नहीं, 2 साल तक ये सारी चीज़ें बच्चों पे एक्सपेरिमेंट नहीं करनी चाहिए क्योंकि बच्चे का अगेन एंजाइम गट बहुत वीक होता है और ये अगर हम एज से पहले शुरू करेंगे तो उनको ये, जैसे मैंने आपको बताया कि गेहूँ, बच्चे को आजकल ग्लूटेन एलर्जी होने के मोस्टली पेरेंट्स, कई बार बच्चे निकल भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट मेजॉरिटी ऑफ बच्चों को अगर 1 साल से पहले ज़्यादा गेहूँ या दलिया देंगे तो उनको आगे जाके ग्लूटेन टॉलरेंस हो ही जाएगी। एंड इफेक्ट्स ऑफ एक्सेसिव यूसेज ऑफ पैक्ड एंड प्रोसेस्ड फूड्स, क्योंकि ये सब हाई इन शुगर है जो बेसिकली कॉग्निटिव फंक्शन में वो करती है, इसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव हैं, कलर्स हैं जो कहीं ना कहीं गट सिस्टम को इम्पैक्ट करती है। रेड कलर सबसे ज़्यादा डेंजरस है, जो बच्चे रेड लॉलीपॉप खाते हैं या केक खाते हैं या जैम ज़्यादा खाते हैं, जैम बिस्किट खाते हैं, रेड कलर से ADHD के सिम्टम्स भी बढ़ते हैं, डिस्लेक्सिया के सिम्टम्स भी बढ़ते हैं और डिप्रेशन के सिम्टम और एंग्जाइटी के सिम्टम भी बढ़ते हैं, जो हम नेक्स्ट सेशन में पूरा कवर करेंगे। ऑल्टरनेटिव जो पैक फूड है आपका, स्ट्यूज है, जो एप्पल पियर कैरेट हो सकता है, फ्रेश फ्रूट सैलड है, मखानाज है, अगेन पीनट्स है, होममेड प्रीमिक्सेस है, फिंगर फूड्स है, जैसे कटलेट को फिंगर फॉर्म में, कैरेट है, कुकम्बर स्टिक्स है, फ्रेंच फ्राइज है, इडलीज है, ये सब दे सकते हैं। बेसिकली दीज आर ICMR गाइडलाइंस जो एज पर एज बच्चों का वेट होना चाहिए और बच्चों की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड दिस थिंग। नाउ वी कम टू पिकी ईटर्स, आपको हमने एक पिकी ईटर का हैंड आउट भी दिया है। बेसिकली आपको ये साइंस तक पता चलेगी पिकी ईटर्स के क्या हैं, वेन दे आर ईटिंग मोर स्लोली देन अदर किड्स एंड देन दे आर ईटिंग अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ फूड, जो पहले खाते थे अब कम खाने लग गए हैं, और रिफ्यूजिंग द फूड, जो उनको पसंद था वो रिफ्यूज करने लग गए हैं एंड एक चीज़ को बारी बारी मांग रहे हैं, अगर उनको वाटरमेलन खाना तो वाटरमेलन ही मांग रहे हैं। तो दीज आर सम साइंस कि आपको बच्चा पिकी ईटर बन रहा है और नए फूड को ट्राई नहीं करना चाहता, आपके साथ बैठ के भी नहीं करना चाहता पहले भी नहीं, और ड्रिंक्स ज़्यादा लेना चाह रहे हैं क्योंकि मे बी दैट चाइल्ड डजंट वॉन्ट टू च्यू, मे बी चाइल्ड वॉन्ट्स टू वॉच एनी हिज फेवरेट TV प्रोग्राम और उनको अपने फ्रेंड से बात करनी है, कोई गेम खेलनी है, या दे वॉन्ट टू मे बी अवॉइड देयर पेरेंट्स ऑल्सो, क्योंकि कई बार क्या होता है पेरेंट्स वर्किंग पेरेंट्स हैं, वो कई बार बच्चे को 1-1.5 घंटे के लिए मिलते हैं तो उसी में वो बच्चे से पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव टॉक्स करना शुरू कर देते हैं, नेगेटिव जान के नहीं कि अगर तुम ये नहीं खाओगे, तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा, तो बच्चे को बहुत इम्पैक्ट पड़ता है कि मम्मी पापा 1-1.5 घंटे के लिए मिल रहे हैं एंड दे हैव स्टार्टेड गिविंग अस इंस्ट्रक्शंस, ए क्यों नहीं लिख रहे अब आपको डाउन। और फिर आजकल रैट रेस बहुत है, 2 साल के बच्चों में आप बच्चों को आर्ट क्लास भी डाल रहे हैं, पियानो क्लास भी डाल रहे हैं एंड डांस क्लास भी डाल रहे हैं, स्पोर्ट्स भी डाल रहे हैं, वी आर नॉट लेटिंग आर चाइल्ड ग्रो नेचुरली। हर बच्चे का एक अलग फिजिकल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट है और बच्चे को हम फोर्सफुली सुबह उठा रहे हैं, चल ट्यूशन जा, चल अब ये खाने का टाइम हो गया, नो वी आर नॉट लेटिंग देम ग्रो नेचुरली। अभी भी दिल्ली में 3-4 स्कूल है कि 6 साल तक बच्चे को पेन और पेंसिल देते ही नहीं है, वो कहते हैं स्क्रिबल कर लो। आज यहाँ मदर बच्चा 1 साल का होता है, चल बच्चा ए सीखेगा, ए बोलो ए, उस बच्चे को तो आता है और वो बच्चा तो नर्सरी राइम बोल रहा है, मेरा बच्चा तो बोल नहीं रहा। यू नीड टू स्टॉप कंपैरिजन, एवरी चाइल्ड इज यूनिक।
एवरी चाइल्ड इज टैलेंटेड, और एक टाइम पर हर बच्चे को हर चीज़ आ जाएगी। आप अपना टाइम देखो, आपके पेरेंट्स ने आपको क्या 2 या 3 साल में इतना कुछ कराया था? हम बच्चों की शुरू से ही नींद को डिप्राइव कर रहे हैं। डिसिप्लिन एक अलग बात है, बट फोर्स फीडिंग, फोर्सफुली डूइंग एनी एक्टिविटी इज, वी आर डूइंग अनजस्टिस टू द चाइल्ड। वो बच्चा या तो बहुत एग्रेसिव हो जाएगा, या बच्चा बहुत नो रेस्टलेस हो जाएगा, और वो खाएगा भी बेमन से कि हाँ भाई अब डांट पड़ेगी तो इसे चुपचाप खा लो, या मुझे रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, मुझे कार्टून देखने को नहीं मिलेगा, इसे चुपचाप खा लो। बट द चाइल्ड इज नॉट एंजॉयिंग द फूड। अगर बच्चा फूड एंजॉय नहीं करेगा तो प्रॉपरली डाइजेस्टन एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो दिस इज जस्ट अ ब्रीफ अप ऑफ व्हाई डाइट इज इम्पॉर्टेंट इन द अर्ली चाइल्ड एज। फॉर पर्सनल क्वायरीज यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट वुमेन्स। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल डॉक्टर आशुतोष फॉर फर्दर रोल ऑफ न्यूट्रिशन कॉग्निटिव एंड बिहेवियर डेवलपमेंट। थैंक यू। गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम आशुतोष, शायद मुझे सब लोग पहचानते होंगे, तो और ज़्यादा टाइम नहीं लेने के आगे आगे चलते हैं। अच्छा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये 2 वर्ड्स हैं। लास्ट टाइम भी शायद मैंने बताया होगा कि हाँ डिफरेंस क्या होता है इन दोनों में। ग्रोथ का मतलब ये है कि आप उसको नाप सकते हैं, बच्चे का वजन कितना बढ़ा है, कितने हाइट में बढ़ रहा है, और विड्थ कितनी हुई बच्चे की, कौन कौन से पार्ट बढ़े, कितना लंबा देखने लगा है, क्या है, ये सारी चीज़ें आप क्वांटिटेटिवली देख सकते हैं उसको। लेकिन डेवलपमेंटल पार्ट ये है, वो आप क्वालिटेटिवली देखते हैं उसको, बच्चे आप मेजर नहीं कर सकते किसी डेवलपमेंट को, ठीक है। हाँ, उनको डेवलपमेंट का को मेजर करने का तरीका ये कि अलग अलग एजेस में बच्चा गर्दन कब संभाल रहा है, बैठ कब रहा है, चलना कब शुरू किया, तो ये सब फिजिकल ग्रोथ में आ जाते हैं। बेसिकली फिजिकल ग्रोथ बच्चों की बहुत ज़्यादा हैम्पर नहीं होती जितनी कॉग्निटिव और सोशल होती है। अब कॉग्निशन का पार्ट और उसका रोल ऑफ न्यूट्रिशन एंड कॉग्निशन, कॉग्निटिव एंड बिहेवियर डेवलपमेंट पर चलते हैं। ये सारे जो आपके मेजर फैक्टर्स, मेजर डेवलपमेंटल एरियाज हैं जिसमें बच्चा बढ़ता है, स्टार्टिंग फ्रॉम सोशल टू फिजिकल। तो इसी तरह से रेलगाड़ी चलती है, उसमें मेन जो है वो कॉग्निटिव है फिजिकल के तुरंत बाद। अगर कॉग्निटिव लेवल बच्चे का ठीक ठाक है तो आगे की सारी चीज़ें। दूसरा है लैंग्वेज। लैंग्वेज का मतलब कई बार मैं आपको बता दे रहा हूँ कि लैंग्वेज कभी कभी पेरेंट्स जो है मिसजज कर जाते हैं कि बच्चे ने यूट्यूब देखा और बोल रहा है, बच्चे वो रिपोर्ट ये करते हैं कि बच्चे की स्पीच तो ठीक ठाक है, इज टॉकिंग। या मान लीजिए आपने बोला 1 तो बच्चा 2 की जगह पर इस तरह की आवाज़ निकाल रहा है। तो लैंग्वेज यानी कि भाषा की परिभाषा आप देखिए कि मनुष्य के द्वारा सार्थक जो शब्द इस्तेमाल करते हैं अपने आप अपनी भावना को व्यक्त करने के लिए, उसको भाषा कहते हैं, वो लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज इस तरह की नहीं, निरर्थक बातें नहीं भाई, वो तो आओ तो जानवर भी कर लेते हैं। बट लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट है वो इसी तरह से होता है कि जब बच्चे की स्पीच प्रॉपर एक्सप्रेशन में आ जाए तो ही लैंग्वेज आप डेवलप मानिए। अगर बच्चा किसी लाइन को बार बार रिपीट कर रहा है, या मान लीजिए कुछ वीडियोस देख करके उसने अडाप्ट कर लिया, तो वो रोट लर्निंग है और लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये अर्ली एजेस हैं तो टिल 3 तक मैं आपको बता देता हूँ कि बच्चा क्या क्या गेन करता है। ठीक है, फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ बच्चा बाय बाय करना सीखता है। ठीक है, कुछ कूइंग वर्ड्स आते हैं, कूइंग का मतलब आवाज़ निकालते हैं बच्चे, वो 3-4 महीने में बच्चा निकालने लगता है। टिल द एज ऑफ 1 वो बाय बाय करना, हेलो करना, हाथ बढ़ाना, ये सारी चीज़ें सीख लेता है। देन 1 to 2 years आप कई सारे बॉडी पार्ट्स जो हैं कॉमनली बताना शुरू कर देता है, कुछ एक वर्ड्स पिकअप करना शुरू कर देगा कि मम्मी दे दो या ऐसा कुछ। जब बच्चा 2 साल का पूरा हो जाता है और 3rd साल में जाता है, देन वो सेंटेंस मेकिंग स्टार्ट करता है, पानी दे दो मम्मी, पानी दे दो पापा, वहाँ जाना है, घूमने चलो, ये सारी चीज़ें। जैसे जैसे बच्चा एजिंग बढ़ती जाती है उसकी एक्टिविटी और स्किल्स बढ़नी शुरू हो जाती है।
तो इसलिए स्किल्स इसलिए बोल रहा हूँ कि टिल द एज ऑफ टू, जैसा मैम ने बताया ना कि शुरुआत के एक साल में आप कुछ चीज़ें नहीं खिला सकते बच्चे को, उस टाइम में आपके न्यूरोनल स्ट्रक्चर्स जो है वो डेवलप बन रहे होते हैं बिल्डिंग टाइम में, दो साल की एज तक। और आफ्टर टू ईयर्स, जैसे बच्चा दो साल का पूरा हो गया, तीन साल से लेकर के या दो साल से के बाद जब तीसरे साल में गया, तो टिल द एज ऑफ सेवन वो सारे आपके स्ट्रक्चर्स मैच्योर हो रहे होते हैं। मैच्योर होने का मतलब कि जो सिक्रीशंस होने होंगे या एंडोक्राइन सिस्टम है वो भी डेवलप हो रहा होता है, क्योंकि भाई दो साल तक तो बच्चे का बॉडी पर अपनी अपने आप को डेवलप करने में लगी हुई है ना कि भाई ये चीज़ बढ़ करके इतनी बड़ी होनी चाहिए, इस एरिया में ये चीज़ें सीक्रेट होंगी तो ये स्ट्रक्चर डेवलप हो जाए। तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ओरिजिन आप सिर्फ सर्वाइवल देखते हैं, कोई भी बॉडी सर्वाइवल देखती है, उस टाइम उसको ये होश नहीं होता कि खाना क्या खाना है, आपने कुछ उल्टा खिला दिया और उसका इफेक्ट कुछ और आ गया, ठीक है। दूसरा ये है कि छोटी एज में बच्चों को पैकेज फूड बिल्कुल मत दीजिए। मैं अब थ्रेटनिंग तो कर नहीं सकता कि भाई ऐसे स्टेज में, बट समझा सकता हूँ आपको कि आप डिब्बा बंद चीज़ें, एक तो वैसे भी पिछले कुछ साल बेचारे डब्बे भी बंद थे बच्चे, घर भी डब्बा ही हो गया था, तो प्लीज़ उनको डिब्बा बंद चीज़ें ना दीजिए, स्पेशली वो जिसमें प्रिजर्वेटिव्स पड़े हैं। मैं हमेशा हर पेरेंट्स को हर लेक्चर में जब भी जिसको काउंसिल करना था हमेशा ये बोलता हूँ कि जिसमें प्रिजर्वेटिव्स पड़े हैं वो चीज़ें मत दीजिए, ये सिवाय आपको नुकसान पहुंचाने के फ़ायदा कभी नहीं करते। अब आप सोचिए कि बेसिकली जो आप पुराने उसमें हम लोग के पेरेंट्स गेहूँ धुल करके सुखा करके पीस करके रखते थे, वो कितने दिन तक चलता था। अभी आप अपनी अपना जो पैकेट वाला गेहूँ है उसको रख के छोड़ दीजिए, देख लीजिए एक महीने में मुश्किल से एक महीना चलेगा, उसमें कीड़े पड़ जाएंगे। तो कोई भी मौसम ट्राई करके देख लीजिएगा, कभी एक कटोरी में रख दीजिएगा उसके बाद देखिएगा। तो ये डिफरेंस है पैकेज फूड और नेचुरल फूड में, और नेचुरल फूड का कोई सब्सिट्यूट नहीं होता। नेचुरल फूड हमने छोड़ा किस लिए, ये मार्केटिंग का ज़माना है। बॉर्नविटा वाले ने बोला बच्चे इस फला फला लोगों ने हमें ठप्पा लगा के दिया है, बच्चा आपका ठीक से बढ़ेगा, हमने उसको देना शुरू कर दिया। ये नहीं देखा कि उसमें 150% शुगर भी है, 150% शुगर कोई बच्चा खाएगा तो उसके शरीर का क्या हाल होगा। और शुगर रश जो आप एक टर्म आप लोगों ने सुना हुआ है वो काम कैसे करता है, वो काम ऐसे ही करता है, मान लीजिए किसी बच्चे ने जिद पकड़ी हुई है कि मुझे बिस्किट खाना है या व्हाटएवर कन्फेक्शनरी कुछ खा ली, उसने खाया और सडनली शुगर कंटेंट उसका रेज हुआ, ऊपर गया और उसने तूफान मचा दिया घर में या जहाँ भी है। फिर जब वो शुगर कंटेंट पार्टी में धीरे धीरे कम होगा तो बच्चे को डिप्रेशन सा फील होगा, वो कहेगा और दो। आप एक टॉफी देकर के बच्चे को नहीं रोक सकते, वो और मानता चला जाएगा। तो ये चीज़ें ना दीजिए, ब्राइबिंग ना कीजिए कि भाई ये काम कर रहा हूँ तो मैं टॉफी दे दूँगा, या ये काम दे कर लीजिए तो आपको लॉलीपॉप दे दूँगा, जैसे मैं हमने बोला कि कलर से लाल। और किसी को इस दुनिया में कुछ नहीं पढ़ा है कि आप क्या खा रहे हैं, उन्हें पैसे देने से मतलब है और उससे कुछ लेना देना। चलिए आगे चलते हैं, मार्केटिंग की तरफ जाना चला गया। तो कॉग्निशन इज द प्रोसेस जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट ये होता है कि आप किसी चीज़ को देखा, आपने परसीव किया और एनालाइज करके उसके रीजनेट करने की ताकत आपके पास आ रही है धीरे धीरे। ऐसे ही जैसे बच्चा धीरे धीरे बढ़ता है तो कई बार पेरेंट्स शिकायत करते हैं कि भाई बच्चा हमारा हमें पहचानता नहीं है कि मम्मी है या पापा है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में सबसे पहला पड़ाव यही आता है कि बच्चा एटलीस्ट घर वालों को पहचाने कि ये मम्मी है, ये पापा है, ये चाचा है, ये ताऊ है, जो भी आसपास के रिश्ते हैं, उसके बाद फिर सोशल लाइफ में जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, ये चाइल्ड ब्रेन डेवलपमेंट का पार्ट है। शुरुआत में 75% ऑफ बॉडी एनर्जी जो है शुरुआत की 0 to 1 ईयर में आपकी बॉडी की 75% एनर्जी जो है वो ब्रेन के डेवलपमेंट में जाती है। तो आप ये सोच लीजिए कि आपको उसका एनर्जी लेवल कितना रखना पड़ेगा बच्चे का, और उसके लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, एक चीज़ मैं मेंशन करना भूल गया कि इम्यूनिटी वाला पार्ट। अभी इम्यूनिटी को लेकर के बड़ा गेम चल रहा था, हर चीज़ में वो इम्यूनिटी बूस्टर। इम्यूनिटी बनाने के लिए कुछ अलग से नहीं करना होता आपको, सिर्फ
जो आपको नेचर ने दे रखा है ना उस पर डिपेंड रही है आपकी इम्यूनिटी बिल्कुल ठीक रहेगी। सपोज किसी ने किसी भैया मदर ने कंसीव किया, सारी दुनिया को डिटॉल में डुबो देते हैं, और डिटॉल में डुबोया आपने तो आपकी बॉडी के जो गुड बैक्टीरिया थे वो भी ख़त्म, फिर तो आपने इम्यूनिटी और लूज कर दिया आपने। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आप डिटॉल से धोएं, बहुत साफ़ सुथरा घर या डस्ट थोड़ा बहुत आपके पास चली जाएगी तो चलेगा। कोई ऐसा वो नहीं है कि हाँ, बड़े बुजुर्गों ने बोला है कि भाई हमारी बॉडी मिट्टी से गली मिट्टी में मिल जाती है, तो एटलीस्ट मिट्टी का थोड़ा सा सम्मान कीजिए, कोई इतनी बुरी चीज़ नहीं है। आइए, ज़रूरी नहीं कि कई हफ्तों की धूल पड़ी रहे और आप उस पर रहें, वो ज़रूरी नहीं है। थोड़ी बहुत सफाई ज़रूरत, बट थोड़ा बहुत धूल भी लग जाएगी तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए वापस आते हैं। देन 1 to 2 years 75% एडल्ट ब्रेन के बराबर होना शुरू हो जाता है। बच्चे का ब्रेन तकरीबन 100 बच्चा जब तक जागता रहता है, हर जागने के 2 घंटे में एक नया वर्ड शुरू करता है। 2 साल का बच्चा जब तक जागेगा तब तक कुछ ना कुछ वर्ड हर दो मतलब जागते हुए दो घंटे बीते उसके एक नया वर्ड उसका आता रहता है। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे को आ जाए, गला मत पकड़ने लगेगा सारे बच्चों को, ठीक है। नेक्स्ट 2+ बच्चे की वोकैबुलरी बहुत तेज़ी से बढ़ती है और तकरीबन 300 वर्ड्स की का शब्दकोश हो जाता है। फिर वो सेंटेंसेस बनाना शुरू करते हैं धीरे धीरे, कुछ क्लियर होते हैं कुछ नहीं होते। अच्छा, कई चीज़ें हैं जैसे मैंने डिस्कस किया था अभी पिकी ईटर्स के बारे में, तो पिकी ईटर्स के लिए कई चीज़ें हो सकती हैं। बच्चे को सेंसरी इशू भी हो सकते हैं या बिहेवियर कुछ ऐसा है जो नहीं खा रहा है। ओरल मोटर स्किल्स बच्चे की वीक हो सकती हैं कि भाई मसल्स उतनी डेवलप नहीं है। सेंसरी इशूज जो है वो थेरेपिस्ट कर सकता है, ओरल मोटर स्किल्स जो है वो आप डेवलप कर सकते हैं। वजह उसकी कई सारे बच्चे हैं जो 3-3, 4-4 साल तक बॉटल लगी हुई है जी, सोता ही नहीं है उसके लिए। उसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है, पेरेंट्स जिम्मेदार हैं। मेरे हिसाब से बॉटल जैसी चीज़ होनी चाहिए, अनटिल अनलेस कोई बहुत इमरजेंसी ना हो जाए, बॉटल की ज़रूरत नहीं है भाई। मैक्सिमम टाइम आप बच्चे के साथ रहते हैं तो कटोरी चम्मच से पिला लीजिए, थोड़ा सा साफ ही करना पड़ेगा ना, क्यों उसकी अब मोटर स्किल खराब हो गई बच्चे की, ओरल मोटर स्किल्स। फिर आप एक्सपेक्ट करते हो कि बच्चा बोल क्यों नहीं रहा है, भाई उसकी मसल्स में पावर तो लेकर के आई है। कभी आप कुछ भी सक करके देखेंगे कि आपकी टंग की मूवमेंट कैसी होती है, फिर टंग की मूवमेंट करते हुए जैसे बॉटल बच्चा सक करता है बॉटल के, उसमें टंग की मूवमेंट होते हुए टंग कर्म हो जाती है, फिर आप उसको बुलवा नहीं सकते। बाकी और जो बढ़ने के साथ जो मसल्स डेवलप होनी चाहिए वो डेवलप ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि खाना खिलाना और प्रॉपर खाना है, एग्जैक्ट क्या खिलाना है वो आप पर डिपेंड करता है। और खैर ये तो काफ़ी डिटेल चीज़ें होंगी, मैं ऊपर से अभी लेकर के चल रहा हूँ, मैम के साथ अभी मुझे और बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी, ठीक है। तीसरा रीज़न हो सकता है कि मेडिकल कॉज हो सकता है भाई, बच्चे को कुछ फूड एलर्जीज है, जैसा मैं आपने बताया कि हाँ कुछ एलर्जीज होनी चाहिए, हो सकती है। अच्छा, कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ के लिए NCERT ने एक ऐप भी बनाया हुआ है, ई जादुई पिटारा करके, आपके एंड्रॉयड फोन में होगा तो एक बार ही देख लीजिएगा कि घर पे बच्चे को कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ क्या क्या हो सकती हैं, वो उसमें सारी चीज़ें आपको दे रखी हैं। शुरुआत के 8 साल तक बच्चे को खाना प्रॉपर न्यूट्रिशन देना बहुत ज़रूरी है, नहीं देंगे तो उसके भयंकर रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। उसके रिजल्ट जो है वो स्टंटिंग हो सकती है, जो मैम ने बताया, बच्चा ओवरवेट भी हो सकता है। अच्छा, ऐसा नहीं कि सिर्फ खाना ना खिलाने से बच्चा परेशान हो, तो कोई प्रॉब्लम हो सकती है। गोल जो है वो सिर्फ पेट भरना नहीं होता, आपको पेट भरने के साथ साथ बॉडी में और क्या क्या जा रहा है वो भी देखिए। इसलिए मना किया जाता है कि मतलब कुछ ऐसा ना खिलाए बच्चे को जो उसको आगे चल कर नुकसान करे, उनकी बोन हेल्थ खराब हो या ओवरवेट हो जाए। जैसे कि मैम ने बताया था, अभी किसी ने बोला कि तकरीबन 1 महीने लगे थे बच्चे को फीडिंग स्टार्ट कराने में,
दैट मीन्स बच्चा प्रॉपर लो टोन है उसके फूड, जो बच्चे लो टोन हैं कम एक्टिविटी करते हैं उनकी फूड उनकी फीडिंग हैबिट्स का खास तौर से ध्यान रखिए, क्योंकि जो बच्चे हाइपर एक्टिव हैं वो अपना जला लेते हैं, लेकिन जो बच्चे काम नहीं कर रहे हैं बैठे हुए हैं उनका वजन इतनी तेज़ी से बढ़ता है कि फिर आप उठा नहीं सकते उनको, उनसे आप जूझ नहीं सकते, ताकत ऐसा नहीं कि कम होती है बट थोड़ा सा मसल जो कोर मसल्स हैं उसमें टोन कम हो जाती है, तो इन बच्चों का क्या न्यूट्रिशन वैल्यू के साथ खाना खिलाइए। अच्छा जैसे ऐसे दीज आर द एरियाज जहाँ पर आपको आपकी न्यूट्रिएंट्स जो है वो इफेक्ट करते हैं, बच्चा लर्न कैसे कर रहा है, उनका कम्युनिकेशन कैसा है होगा, देन एनालिटिकल थिंकिंग, सोशलाइज कैसा होगा बच्चा, और नए एनवायरनमेंट में जाने के साथ साथ ट्रांजिशन फेज में बच्चा किस तरह से रिएक्ट कर रहा है वो भी आपके न्यूट्रिएंट्स पे ही कितने न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं और कितना हेल्दी बच्चा है उस हिसाब से डिसाइड होता है। पुअर न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिशन का इफेक्ट्स ये हैं बॉडी में, न्यूट्रिशन डिफिशियंसी जो अलग अलग स्कर्वी हो गया या पॉइंटर्स हैं या मेलनरिश बच्चा है, वेट कम है बच्चे का, ये सारी न्यूट्रिशन डिफिशियंसीज में आते हैं। दूसरा क्रॉनिक डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं बच्चों में, क्योंकि मैंने ये बेसिकली देखा है जो बच्चे लो टोन थे जिनकी इम्यूनिटी कम थी जिन बच्चों को कोविड हुआ है, वैसे तो कम केसेस देखने को मिले बच्चों में बट जो बच्चे लो टोन थे उनमें मैक्सिमम मैंने देखा है कि वो रिपोर्ट करते सर इनको कोविड हुआ था। देन मेंटल हेल्थ इश्यूज बच्चों में आगे आ सकते हैं, इम्यून सिस्टम पुअर होगा, ग्रोथ डेवलपमेंट पुअर होगी और एनर्जी लेवल वैसे भी लो दिखाई देगा इन बच्चों का जिनमें न्यूट्रिएंट्स की कमी होगा, जिनका फूड इनटेक ऐसा होगा जो सिर्फ पेट भरने वाला होगा। अंडर न्यूट्रिशन और कॉग्निटिव बिहेवियर डेवलपमेंट के बीच में रिलेशन क्या है, और अगर पुअर न्यूट्रिशन रह गया बच्चा तो टिपिकली क्या क्या इफेक्ट्स आ सकते हैं उसके, मोटर डेवलपमेंट यानी चलने उठने बैठने गर्दन संभालने इन सब में बच्चा देर करेगा, आईक्यू पुअर होगा बच्चे का, सोशली कनेक्ट नहीं होगा बच्चा किस बात करना, जैसे सोशल विड्रॉल ज़्यादा देखा जाता है उन बच्चों में जो मेलनरिश्ड होते हैं। देन कंसंट्रेशन और अटेंशन स्पैन पुअर होगा बच्चों में, जो दीज आर द न्यूट्रिएंट्स जो रिस्पॉन्सिबल हैं आपके कॉग्निटिव और बिहेवियर डेवलपमेंट के लिए, उसमें प्रोटीन लॉन्ग चेन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, आयरन है, जिंक है, आयोडीन है, ये सारी चीज़ें हैं जो बच्चों को खिलानी है आपने, बट वो अपने पीडियाट्रिशियन से पूछ करके किस स्टेज में क्या कितना देना है वो जरूर ट्राई करिएगा। देन ये पूछा जा सकता है कि भाई इफेक्ट्स ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो इरिवर्सिबल है या रिवर्सिबल है, मतलब तो जो इफेक्ट आया है जो प्रभाव पड़ चुका है उसको वापस किया जा सकता है, बच्चे को अगर मैलनरिश्ड है बच्चा कम एज में आप इंटरवेंशन दे रहे हैं तो वो क्योर कर सकते हैं, लेकिन एक स्टेज जब वो बच्चा पकड़ लेता है जिसको कहते हैं 7 साल की एज के बाद, या आप लीजिए और जल्दी लीजिए 5 साल के बाद आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए वो चीज़ें मेंटेन कर सकते हैं आप, रिवर्स नहीं कर सकते। देन दिस इज द लास्ट जो टेक अवे मैसेज मेरी तरफ से और मैम की तरफ से ये टेक अवे मैसेज है कि आप जैसा खाते हैं और वैसा ही आप फील करते हैं, ठीक है, जैसा मैम ने बोला नहीं कि जैसा खाए जैसा हो मन वैसा हो मन, तो प्लीज़ खाना अपना सात्विक रखिए वो ज़्यादा ठीक है, बच्चों को बॉक्स में बंद करने की ज़रूरत नहीं है, और खिलाइए मगर ऐसी चीज़ खिलाइए जो उनके शरीर को लगे।